fine, but... पर मेरा कैमरा? अरे वो सब छोड़ो, are you okay? यार पहले देख लेते कैमरे को कुछ हुआ तो नहीं। हाँ, thank God, कैमरा is fine. चल, चलते। Stop, stop, stop. ये मोल? ये मोल मैंने कहीं देखा है? कहाँ देखा है? मैंने देखा था वो आत्मा नैना की नहीं है बल्कि उसकी आत्मा मुझे वो दिखाना चाह रही थी जो उसने अपनी मौत से पहले देखा भैरोगढ़ की आत्मा अनामिका है अनामिका तो जिंदा है शालिनी हो सकता है अनामिका ने भैरोगढ़ की आत्मा की कहानी का फायदा उठाया और आत्मा के कपड़े पहनकर उसने नैना का खून किया है बट वाई अनामिका क्यों करना चाहेगी नैना का खून? ये तो हमें अनामिका ही बता सकती है। मरेगी तू मरेगी नैना मुझे मुझे मत मारो मुझे माफ कर दो की आत्मा ने अपना काम कर दी मीरा मीरा अनामिका मीरा मुझे तो अपनी कर्मों की सजा मिल गई नहीं अनामिका मैं तुमसे कुछ कहना चाहती क्या हुआ मीरा कहाँ थी तुम इतने सारे कॉल किए मैंने तुम क्या हुआ मीरा कुछ कहना चाहती हो इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई सिद्धार्थ कौन सी बात क्या कहना चाहते अतीत को जितना भी छुपाने की कोशिश करो सिद्धार्थ वो एक दिन सामने आ ही जाता है अतीत किस अतीत की बात कर रहे हो छुपी कहना है साफ साफ कहो साफ साफ कहो अनामिका अनामिका नैना सुन गया अब
अपनी बीवी के मुंह से ये नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा। कौन नाना? कौन अनामिका? नैना ने मुझे सब सच बता दिया है सिद्धार्थ। क्या सच बता दिया है? उसे तो मैंने मरवा दिया था ना। 8 साल पहले तो तुम्हें सब पता चले गया, राइट? मुझे सब पता चल गया सिद्धार्थ। तुमने अनामिका से नैना को मरवाया, वो तुम थे। मीरा, 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 जाने दो। Just stop it। तुम बीच में मत पड़ो। कैसे जाने दो सिद्धार्थ, कौन ही हो तुम? अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? वो तो बहुत पुरानी बात है, भूल जाओ उसे। और अब क्या करोगे? अपने इस पति को पुलिस के हवाले करोगे? अपने सिद्धार्थ को? Don't touch me, सिद्धार्थ! नैना का मर्डर क्यों करवाया तुमने? तो ठीक है फिर, सुनो, नैना एक बहुत ही भोली भाली सी लड़की थी, लेकिन बहुत टैलेंटेड थी। उसने मुझे फिल्म का एक आइडिया सुनाया, जो मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे पता था कि वो आइडिया वर्क करेगा, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस दिलवाएगा। तो बस मरवा दिया उसे, मरवा दिया। तुम्हारी ब्रेक थ्रू फिल्म जिसके लिए तुम्हें नेशनल अवार्ड मिला था, वो स्क्रिप्ट नैना की थी? हाँ, उसी की थी। लेकिन उसे मारना बहुत सिंपल था। मैंने उसे भैरवगढ़ की एक आत्मा की कहानी सुना थी, वो मान गई। उसके बाद जंगल में पीछे पीछे उसे ढूंढने के लिए चली गई और मेरा काम और आसान कर दिया। बेवकूफ, कौन ही हो तुम? और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या कहा तुम? मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। रास्ते में कोई नहीं आ सकता, तुम भी नहीं। मैंने तुम पे इतना भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी माँ से कहना कि अब मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है।